रे फोकस चेंज करेगा ना, चार पांच कुर्सी ऐसे 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 देखिए सर, सबसे पहले तो बधाई होती इस फिल्म का, आपके सीन से शुरुआत करने जा रहे हैं महाभारत में भी पहले शंख में ही बजाया करता था तो वो शुरुआत करने का जिम्मा वो द्वापर युग से ही मेरे जिम्मे लगा हुआ है। शंख बजाइए तो वो और शुरू होती थी, तो ये भी अच्छी बात है आज अगर यहीं से शुरू कर रहे हैं तो। और आज गुड़ी पड़वा भी है हमारे देश का, जिसको हम कह सकते हैं नया साल, जो गलती से लोग 1 जनवरी कहते हैं, नया साल ये है हमारा। सो इट्स बधाई की बात है और अच्छी बात है। किरदार क्या है, देखिए एक तो सब मुझसे पूछते रहते हैं कि मुकेश जी आप फिल्मों में क्यों नहीं दिखते, कई लोगों को शिकायत है, मेरी ऐसी बात नहीं है, मैंने तो 60 फिल्में की हैं, बट बीच में शक्तिमान के बाद में मेरी फिल्में कम हुई 15 साल से शक्तिमान। सो ये फिल्मों में वापस आना मैंने अभी फिर से शुरू किया है, क्योंकि टीवी को मैंने 25 साल दे दिए, महाभारत से लेकर शक्तिमान से लेकर आर्यमान से लेकर फिल्में, बट मैं बहुत चूजी हूँ तो इस हिसाब से ये एक फिल्म मुझे सुनाई गई जिसमें मर्डर मिस्ट्री है और मेरे पास ना करने के बहुत से कारण होते हैं, तो उन सब ना करने के कारणों से पास होती होती मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। सो अच्छा रोल है और मर्डर मिस्ट्री है और यू नो इसे सस्पेंस थ्रिलर है। गेटअप को गेटअप भी रहने दो पुत्र, ये गेटअप है फिल्मों में, देखिए गेटअप क्यों है ऐसा, मैं बम्बई की सड़कों में तो नहीं घूमूंगा इस तरह से, बट ये गेटअप है जिसके पीछे कहानी है पूरी। तो फिल्म जो भी कुछ है, क्योंकि एक क्या जब सस्पेंस थ्रिलर होता है वो हमेशा कहा जाता है देखिए ब्रेक के बाद, तो आप लोगों के तो बहुत ब्रेक होते हैं, हमारे तो फिल्म के एंड में मालूम पड़ता है कि क्यों ऐसा है। सर बात करें जो आपका गेटअप है करके, जो शक्तिमान की जो छवि अभी भी लोगों के नजर में है, तो इसमें कुछ शक्तिमान से ज्यादा भीष्म पितामह भी अभी तक मेरे साथ 25 साल से पीछे, मैंने भीष्म पितामह की इमेज तोड़ने के लिए शक्तिमान बनाया कि मुकेश खन्ना दाढ़ी के बगैर ऐसा दिखता है, मुकेश खन्ना गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री करके कॉमेडी कर सकता है, लेकिन शक्तिमान 15 साल चला लेकिन पितामह साहब अभी भी 25 साल से मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, अभी भी मुझे हर फंक्शन में आयुष्मान भव कहना पड़ता है, खंड सौभाग्यवती का वक्त। तो शक्तिमान की इमेज या भीष्म पितामह की इमेज अच्छी बात है, मैं मुझे तो अपना असली नाम याद नहीं रहा, जो भी मुझे मिलता है या तो बच्चा बोलता है ये उड़ के दिखाओ ना, या माता जी मेरे सामने खड़ी होती है आशीर्वाद मांगने के लिए। सो फॉर मी एक्टर के लिए एक इमेज बन जाए तो लगता है कि आपने मेहनत की थी उसमें, सो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है शक्तिमान की इमेज मेरे साथ है कि भीष्म पितामह की है या मेरी विश्वामित्र की है, या ऐसी बात नहीं है, फिल्में भी मेरी काफ़ी चली, यलगार में मैं फिरोज खान साहब का बाप भी बना था, शाहरुख खान से लेकर फिरोज खान तक का बाप भी बनाऊँ, तो लेकिन लोग अभी भी मुझे यही छोटों के शक्तिमान बड़ों के पितामह के रूप में जानते हैं। नहीं अच्छा है, कोई भी आज स्ट्रगल का जमाना है, इन लोगों ने अगर नए लोगों को चांस दिया है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि हर स्ट्रगलर आता है इंडस्ट्री में और उसे पता नहीं किस रास्ते जाना है। मैंने भी अपने शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग आगरा में खोली रखी हुई है, वहाँ भी स्टूडेंट्स सीख कर आते हैं बॉम्बे में। सो एक रास्ता मिलना चाहिए हर नए स्ट्रगलर को कि किस तरफ, कोई किसी को स्टार नहीं बना सकता, आपको फिल्म बन गई मिल गई इसका मतलब नहीं कि आप एक्टर या स्टार बन जाओगे, आपको मौका मिल जाता है। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ नए लोग हैं, नए लड़के लड़कियाँ हैं, इसीलिए शायद मुझे सबसे 160 साल की उम्र के मुकेश खन्ना को लाके खड़ा कर दिया साथ में। सो मेरी तरफ से आशीर्वाद है इन लोगों को कि ये करें इसमें, और बाकी टाइटल अच्छा है 25 दिसंबर नवीन जी हमारे पास आए थे अरोरा जी और उन्होंने स्टोरी सुनाई, मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं नेगेटिव नहीं करता, मैं पॉजिटिव करता हूँ, मैं रोमांटिक सीन नहीं करता, मैं दाढ़ी नहीं लगाता। सो इतनी सारी इफ्स एंड बट्स को पार करने के बाद में मैं ये फिल्म कर रहा हूँ इनके साथ, क्योंकि बबलू मेरे साथ आए थे इनके साथ जो मेरे साथ शक्तिमान के असिस्टेंट रह चुके हैं। शब्द मैं विजयी भव पुत्र कह सकता हूँ उनको, और क्या कि उनकी फिल्म चले तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि नए लोग हैं तो नए लोगों के लिए ही अच्छा होगा। मुझे तो अभी एक हिट फिल्म की जरूरत नहीं है बट नए लोगों को जरूरत है। सर आप क्या कह रहे थे, मुकेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं कंपनी के साथ जो है, मुकेश जी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे हाय मुस्ताक हाउ आर यू,
स्टार हैं और यही होना तय करता है कि हमारा काम है निर्भर है। अच्छा बोलने दीजिए विपुल। हाँ, ये तय करता है कि हम लोग एक सही डायरेक्शन में आधा काम, शायद कुछ श्लोक भी है इस पे भी, फर्स्ट बिगन इज हाफ डन, तो इस तरह से मुकेश जी का आना ही तय करता है कि हम सक्सेसफुल हैं। विजयी भव पुत्र शतपुत्रवती का भाव आशीर्वाद है मेरे पास, चाहिए तो बोलिए शतपुत्रवती भाव। मैं अच्छा बन के साथ एक क्या कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका, आईके प्रोड्यूसर? बहुत बढ़िया रहने वाला, बहुत बढ़िया रहने वाला। अब मुकेश जी ऐसे हैं कि जिनको मैं बहुत क्लोजली देखता रहा हूँ और मेरे बहुत बड़े फेवरेट स्टार हैं, और मुझे खुशी है कि बाय चांस और इतना रिक्वेस्ट के बाद ये हमारे साथ हैं। इससे बड़ा खुशी का कोई बात ही नहीं हमारे लिए इनका आना हमारे फिल्म में। आपकी कंपनी से किस तरह से जुड़ाव रहेगा? अब हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अब हम लोग जुड़े रहेंगे, अभी तो शुरुआत है, एक दो तीन चार हो सकता है 10 फिल्में साथ में करेंगे, तो शुरुआत है अभी, तो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, मुश्ताक जी को कुछ पकड़िए आप। मुश्ताक जी, आप बात करें आपसे जो है, आज मुकेश जी और आप एक साथ खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी जहाँ जहाँ रहेंगे मैं वहाँ वहाँ रहूँगा, छोड़ूंगा इनका पीछा मैं, दोनों एमएम पर समझे हैं कि मैं मुकेश जी मुश्ताक खान समझे ना, और मुकेश जी के साथ वैसे भी पहले भी जुड़ा रहा हूँ मैं, अभी और मज़ा आ गया। और ये जो सोनाची फिल्म ग्रुप है, आज बड़ा अच्छा लगा इनके साथ, इनका आज मुहूर्त हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस, और मेरी बहुत शुभकामनाएं इन लोगों को। नवीन कुमार जी जो हैं डायरेक्टर जो हैं, बड़े सुलझे हुए हैं और कहानी सुनी तो, और नवीन जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इनके साथ मैंने काम किया हुआ है, तो मैं जानता हूँ किस तरह काम करते हैं, बहुत ही सुलझे हुए और बड़ा अच्छा लग रहा है, ये प्रोडक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी उम्मीद है कि ये अच्छी फिल्म बनेगी और खूब चलेगी। किरदार क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरा किरदार बहुत अच्छा है इसमें, एक्चुअली मैं तो इनका एम्प्लॉई हूँ और ये मुझे कहीं और भेजते हैं एक दूसरे रूप में, तो एक इस तरह से मुझे एक दो शेड मिल रहे हैं इस फिल्म में कि एक एक तरह से एक एक्टर दो दो रोल कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई रोल, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हाँ वो सर थोड़ा स्वागत वाला, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, देवी फोटो ले लीजिए उससे। बबलू जी, बबलू कहाँ है? शॉट में बबलू जी को बुलाओ ना, कोई क्रेन से उठा के ले और बबलू लड़कियों की कमी महसूस कर रहा हूं, हेवी हो गया, थोड़ा सब मेल ओरिएंटेड, बुला बुला बुला, ये फिल्म है जिस